साथियों, यह वीडियो जो है इज्तिमागाह का है और यह जो खोरी महुआ से धनवार की तरफ रास्ता जाता है उधर का है और ये मेन रोड जो कि खोरी महुआ से धनवार की तरफ जाता है उसका है। यहाँ पे देखिए बीच में इज्तिमागाह बना हुआ है, यहाँ पे एंट्री करने का ये मेन गेट है और यहाँ से ये दूसरा रास्ता जो है आपको इस तरफ देखिए धनवार जाता है वो रास्ता है और धनवार से जो लोग आते हैं वो इस साइड से आते हैं। तो यहाँ पे इधर से धनवार और खोरी महुआ के बीच में जो है नीचे खेलने वहीं पर लगा हुआ था, वहीं बना हुआ था और यहाँ से हम नीचे की तरफ चलते हैं, ये अंदर जाते हैं। अंदर जाते हुए देखिए आपको नीचे से दिखा रहे हैं आपको कि नीचे से जो है मेन रोड है और मेन रोड के जस्ट नीचे खेत में इज्तिमागाह बना हुआ था और यहाँ से देखिए ये एंट्री का गेट था, दो गेट बना हुआ था एंट्री का और उसी के बगल में देखिए यहाँ घुसते के साथ आपको सिफा खाना और ये टी स्टॉल और पीने के लिए पानी, ये सारा सुविधा यहाँ पे मुहैया कराया गया था और ये सारा कुछ जो है यहाँ पे अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन खोरी महुआ की तरफ से किया गया था। ये देखिए चाय का फ्री में सुविधा था और ये सिफा खाना भी बिल्कुल मुफ्त में था और ये जो यहाँ पे जो भी मेहमान बाहर से आए हुए थे उनको किस तरह कोई दिक्कत हो तो सौजन्य सिटी हॉस्पिटल की तरफ से ये किया गया था। और यहाँ पे आप देखिए पीने के लिए जो है फिल्टर पानी लगा हुआ था, पी सकते हैं अपने हिसाब से। और ये यहाँ पे यूनानी दवा खाना एक था तो उसका हमदर्द यानी कि जिसको कोई तरह का प्रॉब्लम हो वो अपने दवा अपने हिसाब से वहाँ लेते थे। और साथ ही साथियों यहाँ पे देखिए महिलाओं के लिए अस्काफ नकाब सारा कुछ जो है जो उर्दू से रिलेटेड होता है यानी मुसलमान से संबंधित जो कपड़ा वगैरह होता है वो सब सारा कुछ यहाँ पे जो है मिल रहा था। आप निकाब ले सकते हैं, स्कॉफ ले सकते हैं, मुंह बांधने वाला जो है हाफ निकाब ले सकते हैं, कुछ भी ऐसे जो रिलेटेड होता है। या बाकी यहाँ पे देखिए तकिया का खोल वगैरह, गिलाफ वगैरह बहुत सारा दुकान लगा हुआ था जिसमें तकिया वगैरह, तकिया का खोल, कवर और एक से एक रजाई का कवर, दुनियादारी है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिल रहा था। अब यहाँ पर देखिए जन्नमाज वगैरह सारा कुछ है, देखिए जन्नमाज का लगा हुआ था, जन्नमाज है, ऐसे चीज मिलेंगे जो इस्तेमाल और यहाँ से आगे देखिए तकिया का एक से एक बेडशीट है, कवर है, खोल है, रजाई है, कपड़ा वगैरह यानी कि जुब्बा वगैरह ये सारा कुछ वहाँ पे मिल रहा था। और काफ़ी लंबा चौड़ा जो है मार्केट टाइप में लगा हुआ था, इधर बीच में इज्तिमागाह और चारों बगल से जो है फाइल के आपको यहाँ पे एक देखिए आपको व्यू में दिखता होगा काफ़ी लंबा चौड़ा बना हुआ था और काफ़ी लंबा चौड़ा में ये बना हुआ है। अब यहाँ से देखिए इज्तिमागाह जो है अंदर में है, यहाँ पे जो है सारा हल्का जमुआ देखिए लिखा हुआ है हल्का जमुआ, अंदर में सारे अभी जो है असर का टाइम था, सब लोग नमाज़ पढ़ने के लिए वजू बनाने के लिए गए हुए हैं तो अजान हुआ है, नमाज़ पढ़ेंगे लोग इसलिए सब लोग, भीड़ थोड़ा कम है अभी, सब बाहर बाहर में भीड़ है और नमाज के बाद काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाएगा। यह जो है अंदर का नज़ारा है, हल्का पहरा का है, ये अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा भीड़ था। और यहाँ पे देखिए वजू खाना है, अजान जो हो गया है असर का तो ये वजू बना रहे हैं लोग और ये काफ़ी लंबा वजू खाना बना हुआ था, ये रेडीमेड वजू खाना था क्योंकि तत्काल बनाया गया था तो मैं एक बार में 50 आदमी वजू बना सकते हैं, इस तरह का सुविधा मुहैया कराया गया था। बालू का जो बैठने वाला बोरा भर के बालू लगा दिया गया था और यहाँ से काफ़ी लंबा चौड़ा जो है इज्तिमागाह भी था, एक साथ हमको लग रहा है कि 5000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, इतने सारे लोग यहाँ पे एक साथ आना जाना कर सकते हैं और यह काफ़ी बड़ा इज्तिमागाह था। और यहाँ से आप देखें कि ये सब लोग वजू बना चुके हैं और वजू बनाने के बाद फारिग होते हैं और यहाँ से सब लोग अपनी नमाज़ पढ़ने के लिए हरकत में है भाई, हरकत में बरकत।